नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है 5:05 का। सबसे पहले बात कर लेते हैं 24 की तैयारी की। विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव का रण है, यानी कि लोकसभा चुनाव की बारी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। इस बार बीजेपी ने प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन कुछ संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी से कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं। ऐसे में ये सीट लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है। हालांकि कई संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी का प्रदर्शन पहले के मुकाबले इस बार बेहतर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा के बाद अब मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस जुट गई है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, लेकिन लोकसभा के लिए बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती दिख रही है। वजह है लोकसभा की वो 10 सीट जहां वोट शेयर के मामले में कांग्रेस आगे है। विधानसभा चुनाव में 10 संसदीय सीटों पर बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले कम वोट मिले हैं। मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने 5 सीट जीती है तो बीजेपी ने 3 सीट। यहां कांग्रेस को बीजेपी से 89,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र में बीजेपी कांग्रेस को 4-4 सीटों पर जीत मिली, लेकिन कांग्रेस को 6,894 वोट ज्यादा मिले हैं। ग्वालियर में संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को बीजेपी से 23,250 वोट ज्यादा मिले हैं। मंडला में कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली है तो बीजेपी ने 3 सीट जीती है, लेकिन कांग्रेस को 11,980 वोट ज्यादा मिले हैं। बालाघाट में भी कांग्रेस को बीजेपी से 68,000 वोट ज्यादा मिले हैं। अच्छी प्लानिंग है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ा था। जनता ने विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पूरी ताकत से निभाएंगे। कांग्रेस सड़क पर भी लड़ाई लड़ेगी, विधानसभा पर भी लड़ाई लड़ेगी और सारी 29 सीटों पर लड़ाई लड़ेगी। और जो 10 सीट आप बता रहे हैं वो तो हम जीत ही रहे हैं, बाकी जो 19 सीट है वो भी हम जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा छिंदवाड़ा, धार, खरगोन, रतलाम और टीकमगढ़ में भी कांग्रेस को बढ़त मिली है, लेकिन कई सीटों पर इस बार बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। बीजेपी के लिए इंदौर, खजुराहो, खंडवा, देवास, होशंगाबाद सबसे सुरक्षित सीट बनकर उभरी हैं। इन सीटों पर बीजेपी कांग्रेस से मजबूत दिख रही है। विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव दोनों की परिस्थितियां और मुद्दे अलग होते हैं, फिर भी ऐसे कुछ स्थान जहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है वहां पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी ताकत के साथ समीक्षा करके हम उन स्थानों पर कैसे चुनाव जीत सकें उस दिशा में काम करेंगे। विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव की बारी है। 10 संसदीय सीटों पर बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी होगी तो वहीं कांग्रेस को 19 संसदीय क्षेत्रों में ज्यादा दम दिखाना होगा। हालांकि पिछली बार कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट बचाने में कामयाब रही। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में जनता किसे जनादेश देगी। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोहन मंत्रिमंडल पर अब दिल्ली में मंथन। थोड़ी देर में मंथन के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के दौरान जो चर्चा होगी उसी में मंत्रियों के नामों पर मोहर रख सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां दिल्ली में वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे और इन्हीं मुलाकातों में जो मंथन होगा उसी मंथन से मंत्रिमंडल के नाम सामने आएंगे कि मंत्रिमंडल का हिस्सा कौन कौन बनेगा। उन तमाम मंत्रियों के नाम इसी मंथन के बाद सामने आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब से थोड़ी ही देर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भोपाल से हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, दिल्ली में बैठक करने के लिए निकल चुके हैं सीएम मोहन यादव। दिल्ली में अब जो मुलाकातों में जो मंथन होगा उसी मंथन से क्या नाम बाहर आएंगे? बिल्कुल अपर्णा, देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को शपथ लिए हुए एक सप्ताह हो चुका है और एक सप्ताह के बाद भी अभी भी लगातार उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन सदस्य होंगे इसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ, और यही कारण है कि बीच में एक बार जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ सीएम
और संगठन महामंत्री दिल्ली दौरा कर चुके हैं। दिल्ली में पदाधिकारियों के साथ मुलाकात भी हुई थी। बताया जा रहा था कई नाम फाइनल भी हो गए थे, लेकिन कुछ जो दिग्गज नेता हैं उनके नामों को लेकर पेच फंस रहा है। खासकर वो लोग जो सांसद थे और अब विधायक बने, उनको किस तरह की जिम्मेदारी दी जानी, और दूसरा जो मध्य प्रदेश सरकार में लगातार मंत्री रहे हैं तो क्या ऐसे लोगों को वापस से रिपीट किया जाना है या नए लोगों को मौका देना है। इन नामों को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ, और यही कारण है कि देखिए विधानसभा का सत्र चल रहा था, अभी से कुछ देर पहले ही विधानसभा का सत्र खत्म हुआ और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री और उसके अलावा संगठन महामंत्री भी अब दिल्ली रवाना हो गए हैं, और दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे, और अंतिम मोहर संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद लग सकती है। केवल क्योंकि आज ही बैठक नहीं, आज भी बैठक है, कल भी मेल मुलाकातों का दौर जारी रहेगा, तो उम्मीद यही है कि जब मुख्यमंत्री कल दिल्ली से राजधानी भोपाल वापस आएंगे तो उनके पास वो सूची जरूर होगी कि उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन नाम हो सकते हैं। देखिए तमाम तरह के कयास जो है वो लगातार मध्य प्रदेश के गलियारों में लगाए जा रहे हैं कि कई बार ये बात ये सामने आती है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 29 लोकसभा क्षेत्रों में से एक एक विधायक को मंत्री बनाया जाए, और दूसरी तरफ कई बार बात ये भी सामने आती है कि जो लोग सांसद से विधायक का चुनाव जीते हैं उन लोगों को प्रमुखता के साथ मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए, और कुछ जो दिग्गज जो लगातार मंत्रिमंडल में शामिल रहे ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर रखकर कुछ नए लोगों को एडजस्ट किया जाए। तो तमाम तरह के जो समीकरण है लगातार वो उन पर चर्चाएं हो रही, वो बन बिगड़ रहे हैं, लेकिन अंतिम प्रारूप क्या होगा ये अभी किसी को नहीं पता है। लेकिन जिस तरीके से अब राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेपी नड्डा और अमित शाह से जब मुलाकात होनी है तो ये उम्मीद यही की जा रही है कि ये मुलाकात मंत्रिमंडल के सस्पेंस को खत्म कर देगी। जी बिल्कुल सही आपने कहा शैलेंद्र, समीकरण का हर एक बॉक्स चेक होगा उसके बाद ही नाम सामने आ पाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी बॉक्स छूट गया चेक होने से तो फिर 24 के चुनाव में परेशानी ना हो जाए, इसीलिए इतना मंथन चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष लगातार लाडली बहना योजना को लेकर हंगामा कर रहा है। इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में साफ कह दिया कि सरकार की कोई योजना बंद नहीं होगी, सरकार के पास सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट है। राज्य बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी प्रकार से हमारी योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है, इसी कारण से हमारा ये बजट बढ़कर के पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजना है, कोई योजना बंद नहीं होगी, सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। तो शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जोड़ रहे हैं, रुक कर लेते शैलेंद्र का। शैलेंद्र, सीएम ने साफ कह दिया है आज सदन के अंदर कि कोई भी योजना सरकार बंद नहीं करने जा रही है, सभी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पर्याप्त बजट है। बिल्कुल, देखिए राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही उसमें लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं था, इस कारण से कांग्रेस लगातार हमलावर थी, ये बात उठा रही थी कि कई लाडली बहना योजना को बंद तो नहीं किया जा रहा है या ऐसा तो नहीं कि सरकार इस पर ब्रेक लगा दे। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जितनी भी अपने वक्तव्य में सवालों के जवाब थे वो सारे दिए हैं, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पिछले कुछ दिनों से चल रहा था कि जो 38 करीब ऐसी योजनाएं हैं उन्हें भी सरकार ने, वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी करके ब्रेक लगा दिया है, और ऐसी कई योजनाएं बंद होने वाली। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई भी योजना ना बंद होगी, न लाडली बहना योजना बंद होगी, न लाडली लक्ष्मी योजना बंद होगी, इस तरह की कोई भी योजना बंद नहीं होगी, सरकार के पास पर्याप्त पैसा है। तो आज सीएम ने स्पष्ट कर दिया और यह भी कहा कि कोई सभी योजनाओं के लिए बजट है, पर्याप्त पैसा है, उसके अलावा सभी तरह के इंतजाम सरकार के पास है, तो किसी भी योजना के बंद होने के लिए के जो असमंजस है वो स्थिति आज सीएम ने पूरी तरीके से आज दूर कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में लाखों नर्सिंग छात्रों को बड़ी राहत मिल सकती है। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने प्रदेश में नर्सिंग कोर्सेज की परीक्षाएं जल्द करवाने के संकेत दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश के करीब 364 फर्जी नर्सिंग कॉलेज की जांच सीबीआई कर रही थी। अब तक 300 कॉलेज की जांच की जा चुकी है, बाकी कॉलेजेस की जांच भी जारी है। बता दें कि फर्जीवाड़े के चलते 2020 से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में तकरीबन 3 सालों से नर्सिंग कॉलेज के एग्जाम नहीं हो पाए हैं, जिससे करीब 1 लाख से ज्यादा नर्सिंग छात्र प्रभावित हैं। नर्सिंग
महाविद्यालयों के प्रकरण में जैसा कि आपको विदित है कि प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित है, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय जैसे ही माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आएगा उसको लागू करने के लिए तत्पर रहेगा। पवन पटेल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, बड़ी राहत की बात, जल्दी हो सकते हैं नर्सिंग छात्रों के एग्जाम? बिल्कुल, ये एक बड़ी राहत है। नर्सिंग स्टूडेंट्स जो लगातार 3 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि परीक्षाएं आयोजित की जाए समय पर और समय पर रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि वो 3 साल पीछे चल रहे हैं, उनके लिए राहत की खबर है कि सीबीआई ने तकरीबन 300 कॉलेजों की फर्जीवाड़े की जांच कर ली है और जो बचे हुए कॉलेज हैं, तकरीबन 64 कॉलेज बताए जा रहे हैं कि जो अभी भी जांच के लिए बचे हैं, लेकिन उनकी जांच भी जल्दी पूरी होने की उम्मीद है, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से आदेश पारित होगा और परीक्षाएं जल्दी आयोजित की जाएंगी। तो उम्मीद की जा रही है कि इस सत्र के मध्यांतर तक, यानी जो सत्र शुरू हो रहा है 2024 का, जून जुलाई तक ये जांच पूरी होगी और समय पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। शुक्रिया पवन आपका इस जानकारी के लिए। दतिया की सेवड़ा तहसील में वन विभाग की तानाशाही का मामला सामने आया है। दरअसल अंडोरा में वन विभाग की भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध उत्खनन चल रहा है। जब किसानों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों से की तो वन विभाग डेप्यूटी रेंजर को ये नागवार गुजरा और डेप्यूटी रेंजर इन किसानों के खेत पर पहुंचा और इनकी जमीन को वन विभाग की जमीन बताते हुए पैसे मांगे। जब किसानों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो बिना नोटिस दिए और बिना सीमांकन कराए किसानों की फसल पर जेसीबी चला दी। परेशान किसान प्रशासन के पास पहुंचे, प्रशासन ने जांच होने तक खेतों पर जेसीबी चलाने पर स्टे ऑर्डर भी दिया, लेकिन फिर भी वन विभाग ने फसलें पूरी तरह उजाड़ दी। डिप्टी रंजन ने नष्ट किया है और बगैर नोटिस के कराया है। तो हम जो दौड़ के तहसीलदार के पास पहुंचे तो उन्होंने तत्काल जो है हमको मशीनें बंद करने का आदेश दिया, लेकिन उसने आदेश लेने के बाद भी बंद नहीं की और नष्ट। मेरे पास शिकायत करने के किसान आए थे कि मेरी यह जमीन फसल नष्ट कर रहा है और मेरी जमीन में से जो है जेसीबी चला के सीमा कायम कर रहा है, लेकिन मैंने आदेश किया था कि यह राजस्व विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जो सीमांकन करके उसके बाद ही यह सीमा कायम, वन विभाग सीमा कायम करे, और उसके बाद भी अगर नहीं मानते तो फिर मैं मौके पर दिखवाऊंगा, उसको सीमांकन करवाऊंगा। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक। कहावत तो यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लेकिन इस पूरे मामले को देखकर यहां कोतवाल यानी कि जो अधिकारी है, वन विभाग है, वही कटघरे में नजर आ रहा है। गलती उनकी और उसके बावजूद भी किसानों पर कार्रवाई कर दी गई। जी हां, अपना जो कहावत है वो लगभग सही है, बस इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया है कि कोतवाल चोर बन गया है और जो सही व्यक्ति यानी कि कोतवाल थे, जो वास्तव में जो किसान है जिनकी जमीन है, उनको चोर बता दिया गया है। तो सीधा सीधा उनका लाखों का नुकसान हुआ है और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिप्टी रेंजर है उनकी सीधी सीधी गलती थी। इनको अवैध उत्खनन रोकना था, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी भूमिका संदिग्ध दिखती है कि इन्हें अवैध उत्खनन नहीं रोका और उल्टा किसानों के पास पहुंच गए कि भाई ये जमीन हमारी है और हम इस पर जेसीबी चलाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने प्रशासन का जो स्टे ऑर्डर था उसको भी नहीं माना, नोटिस देखने के बाद लेने के बाद भी अपनी ये जेसीबी चलाते रहे और उसके बाद चले गए। जी अपन जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब खबर छतरपुर से आपको बता रहे हैं, जहां बुलडोजर चला है 6.5 करोड़ की शराब पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। ये शराब की बोतलें एक्सपायर्ड शराब थी यहां पर, जिन पर बुलडोजर चला है। बियर और इंग्लिश शराब को नष्ट किया गया। 37,000 शराब की पेटियों पर बुलडोजर चला है। आबकारी अधिकारी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। कार्रवाई आप देख सकते हैं किस तरह से जेसीबी उन तमाम बॉटल्स पर चला है और ये शराब एक्सपायर्ड हो गई थी, लेकिन 6.5 करोड़ की इसकी कीमत थी। श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार नष्टीकरण समिति गठित की गई थी और ये हम अभी आप खड़े हैं कॉक्स बिजल स्टरी में। यहाँ पे जो 6 माह से पुरानी जो दूसरे वेयर हाउसों से कैन और जो बॉटलें हैं बियर की, वो वापस आई है, उनको नष्ट किया जा रहा है। साथ ही 4 माह से अविक्रित जो यहाँ पे स्टॉक रखा था
वो 2012 से लेकर के 21 22 23 तक का जो भी वर्तमान है 6 माह को वो सभी को नष्ट किया जा रहा है। लगभग कितने लागत की है ये? लगभग 6.5 करोड़ के लगभग की इसकी कीमत आकी गई है। 37,000 के लगभग पेटियाँ हैं हमारी, जिसमें केन और बोतल दोनों शामिल हैं। आप जैसे देख रहे हैं केन के ऊपर तो हम बकायदा जो है पूरा रोलर चलवा रहे हैं, जैसे भी बुलवाए हैं और ट्रैक्टर से करवा रहे हैं, और जो कांच की बोतलें हैं उनको उसमें से सभी लेबर लगे हुए हैं आपके सामने, सारे खोल करके इसको बाहर। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।